तो दो दो ढाई ढाई मिलियन व्यूज भी इस चैनल पर आए हुए हैं सिंगल वीडियो के। ठीक है, तो ये चैनल मैंने बंद क्यों कर दी? ये चैनल बंद करने का मेरा मेन मोटो क्या था, मतलब कैसा क्या हुआ कि मैंने ये चैनल इतनी अच्छी खासी चल रही थी और मैंने बंद कर दी? तो मैं आपको बताऊं कि इसमें 4,09,000 सब्सक्राइबर जैसे हो गए थे। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और अभी बज चुके हैं 11:30, फोन गिर गया, 11:30 बज चुके। कोई बात नहीं, देखो फोन गिर गया तो ये भी हंसने लगी। गुड मॉर्निंग ऑल। तो अभी जल्दी जल्दी नहाना, अभी नहाऊंगा कि नहीं नहाऊंगा सोचूंगा, अभी नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे, लेकिन फ्रेश होके फिर करते है कुछ, पहले फ्रेश हो जाता है फिर बताते है। क्या बना है? प्याज और आलू की सब्जी बनी है और ये मेथी की भाजी बनी है। और 12:01 बज चुके हैं, मैं बाहर जाने वाला था लेकिन मिसेस जाला ने जिद कर ली कि आप जाना है तो खाना खा के ही जाओ। तो अच्छा है, खाना खा के जाएंगे तो थोड़ा लेट भी वापस आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आरटीओ के साइड भी एक थोड़ा काम है तो वहां भी जाना है, फिर मम्मी के उधर मम्मी की दवाई लानी है तो दवाई लेकर उनको देने जाना है, तो काम है, तो पहले खा ले फिर टेंशन नहीं। फिर मिसेज जला फोन पे फोन नहीं टकी, कहाँ हो कहाँ हो, आ जाओ। अब चाचे के लिए बोल रही हूँ, ठीक है? हाँ, केयर करो तो भी प्रॉब्लम। जा 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 रोटी बना, जा। हाँ जा रही हूँ। चलो बाय बाय मिसेज जला, बाय बाय बाय। कब आओगे? बहुत जल्द। तो भाई अभी जा रहे हैं वस्त्राल आरटीओ हमारे वहाँ, और वहाँ थोड़ा काम है, वो काम खत्म करके फिर मम्मी की दवाई लेने जाएंगे। लेट्स गो, जल्दी जल्दी काम खत्म करना है। अरे बीच में किधर खड़े रहते हो मेरे भाई? चलिया तू चलिया, क्या है भरोसा आशिक दिल का। तो भाई आरटीओ का काम खत्म हो चुका है, अब जा रहे हैं मम्मी की दवाई लेने। मम्मी की दवाई लेकर मम्मी को दवाई दे देवे, उसके बाद आगे कुछ काम करेंगे। लेट्स गो। तो अभी ये मम्मी की दवाई सारी ले ली है, मैं भी देखो ये नरेंद्र मोदी जनधन योजना जो उसमें से लेता हूँ, क्योंकि ये दवाई डॉक्टर को भी दिखा दी तो बोले हाँ सही है ले सकते हैं। तो और प्राइस में इतना डिफरेंस है ना भाई, समझ लो यही दवाई मैं अगर कहीं बाहर से लाता तो मेरे को 1500-1700 की पड़ती, वही दवाई यहाँ मेरे को 305 रुपये में मिल गई। तो कुछ बुरा नहीं है भाई, जो भी लोग जिनको भी जिनके मदर फादर को रेगुलर दवाई ना वो सब लेना पड़ता है, तो एक बार आप यहाँ पर आकर उसकी पैरेलल दवाई ले सकते हो। ठीक है, और डॉक्टर को भी आप दिखा दोगे तो वो भी आपको मना नहीं करेगा, तो पैसे बच रहे हैं यहाँ से, सरकार सुविधा दे रही है तो ले लेने चाहिए बराबर, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं खुद यहाँ से रेगुलर दवाई लेता हूँ, ठीक है, तो यहीं से लेनी चाहिए। आओ फादर साहब, कैसे हो? बढ़िया। अभी बोलो, कैमरे में तो बोलते नहीं हो। बढ़िया बढ़िया हो। लो ये आपकी दवाई आ चुकी है। तो अभी मम्मी को दवाई ववाई सब दे दिया है, अभी जा रहे वापस घर, घर जाके फ्रेश हो जाएंगे, नहा धो लेंगे, उसके बाद जाना है बाहर। तो अभी बज चुके हैं 3:15, तो जल्दी जल्दी नहा धोकर फिर वापस बाहर निकलेंगे। लेट्स गो। हमारी पूरी मंडली यहाँ पर जमा है, कल की क्रिकेट की प्लानिंग चालू है, क्या बोलते हो राजेश भाई आप? अभी घर वापस आ चुके हो महिरा, तूने तो मस्त मस्त कपड़े पहने बेटा, पानी पी रही है? ये नाइस फ्रॉक, यो ये महिरू, ओ मेरू महिरू, यो
तो देखो भाई अभी मैं नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ। मिसेस जाला अब क्या गरबे कर रही है ये तो रे, इसका नहाना बाकी। अभी ये मेरे लिए चाय बनाएगी, इसके बाद ये नहाने जाएगी और मैं माहिरा को रखूंगा, क्योंकि बारी बारी से नहाना पड़ता है ना, क्योंकि माहिरा के लिए एक बंदा तो चाहिए। और आज भी कोई अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन अपने देने वाले हैं रात को, तो व्लॉग शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। जल्दी जल्दी चाय बना दो आप, चलो लेट्स गो। तो भाई मेरे बाल थोड़े यहाँ से यूँ आ जाते हैं, तो मिसेस जाला बोल रहे हैं कि थोड़े इधर से मैं स्ट्रेट कर देती हूँ, तो अभी मिसेस जाला मेरे बाल स्ट्रेट कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बीवी मिली है मेरे को रे। चल 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 जल्दी कर दे। तो अभी मशीन थोड़ा गर्म हो रहा है, मशीन गर्म हो जाने के बाद ये बाल स्ट्रेट करेंगी। देख जला वाला नहीं देना मेरे बाल, तेरे को बता रहा हूँ, वरना मैं मार डालूंगा जान से, इधर से गला दबा दूंगा तेरा। ये बाल स्ट्रेट करना चालू किया, मेरे को डर लग रहा है रे बाबा, भगवान का नाम लेके बैठा हूँ मैं। चला दो। स्ट्रेटनिंग चालू है, अभी हो रहा है सही। देखो इसने परफेक्ट स्ट्रेट कर दिए है मेरे बाल, यहाँ से जो मेरे मुड़ रहे थे एकदम बैक साइड अभी मस्त रह रहे है। क्या बात है मिसेस जाला, आई लव यू। चलो बाय बाय, चलो अब सीधा बाय 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 बाय। अभी एक जगह ऐसे घूमने निकले थे तो भूख लगी, तो देखो ब्रेड पकौड़ा भी है इधर, पफ भी है, पफ मंजे फ्रॉड फूड, लेकिन मेरे को तो पसंद है, तो पहले ब्रेड पकौड़ा खाएंगे, फिर ज़्यादा भूख होगी तो एक पफ भी खा लेंगे, उसके बाद आगे सवारी चलेगी हमारी। लेट्स गो। चलो कल सुबह मिलते हैं भाई। दो किलो आलू दे दो। अच्छा है ना चाचा? क्या भाव है आलू का? कितना? ओके दे दो। घूम फिर कर भाई हम हमारे आशियाने में वापस आ चुके हैं, और मिसेस जाला खाना बना ही रहे हैं, क्योंकि आज जल्दी सो जाने का प्लान है। मिसेस जाला खाना बना रहे हैं, बराबर खाना बन जाए वैसे ही फटाफट फटाफट हम खा लेंगे, और उसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो मेन चैनल थी एक दूसरी, 4,00,000+ सब्सक्राइबर थे, वो चैनल मैंने बंद क्यों कर दी, मतलब 3 साल पहले, समझो 3 साल से उसमें कंटेंट नहीं डाला, तो क्यों नहीं डाला, वो सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो लेट्स ही पहले खाना खा लेते हैं फिर बताते हैं, लेट्स गो। हमारे खाना खाने का टाइम हुआ और ये मैडम नींद में से उठ गए। हे ये ओ मायरु चलो ये खाना रेडी है सारा, ये मायरे का भी खाना रेडी है, ये मेरी चिप्स है, ये इतनी दिखी, और ये मिसेस जाला की देखो कितना डिफरेंस है, पागल वागल है क्या तू? मेरे को पसंद है। चलो चलो लेट्स गो। तो भाई जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि आज हम बात करेंगे कि मेरी ये जो 4,00,000 सब्सक्राइबर वाली जो चैनल है, इसको मैंने सडनली बंद क्यों कर दिया था, तो उसका रीज़न बताऊंगा मैं आपको कि मैंने चैनल क्यों बंद कर दी थी, मतलब कितने टाइम से मैं हम लोग इस पे काम नहीं कर रहे। तो अभी मैं देखो अगर देख रहा हूँ इधर, तो लास्ट में हमने 1 साल पहले इस पे हमारी क्रिकेट मैचेस हो रही थी, उसकी लाइव स्ट्रीम की थी, उसके पहले मैं अगर देखता हूँ तो 1 साल पहले कंटेंट तो इसमें दिख रहा है, लेकिन वो ऐसा कंटेंट है जो हम रेगुलर नहीं बनाते थे और कुछ नया नया ट्राई कर रहे थे। लेकिन अब अगर हमारे रेगुलर कंटेंट की हम बात करें, तो रेगुलर कंटेंट हमारा 2-3 साल पहले, तो 3 साल पहले हम लोग रेगुलर वीडियोस इस पे डालते थे, इस पे अच्छे खासे व्यूज़ भी आते। अगर हम यहाँ ये चैनल के
उसकी बात करें कि भाई पॉपुलर वीडियो ने उसकी तो दो दो ढाई ढाई मिलियन व्यूज भी इस चैनल पर आए हुए हैं सिंगल वीडियो के, ठीक है। तो ये चैनल मैंने बंद क्यों कर दी, ये चैनल बंद करने का मेरा मेन मोटो क्या था, मतलब कैसा क्या हुआ कि मैंने ये चैनल इतनी अच्छी खासी चल रही थी और मैंने बंद कर दी। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें 4,09,000 सब्सक्राइबर जैसे हो गए थे, ठीक है, और फिर बंद कर दी। तो आपको भी मालूम है कि धीरे धीरे टाइम टाइम पे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर भी कम होते जाते हैं, यानी कि जो जो अनएक्टिव सब्सक्राइबर होते हैं सारे धीरे धीरे कम होते जाते। मान लो कि आपने कोई मतलब जीमेल आईडी बनाई, उससे मेरी चैनल सब्सक्राइब की और उसके बाद आप वो जीमेल आईडी यूज ही नहीं करते, तो एक टाइम के बाद यूट्यूब जो है वो अकाउंट हटा देता है, तो वो सब्सक्राइबर कम हो जाता है। ये हर एक के साथ होता है। तो आज बात ये है कि भाई क्यों मैंने बंद की। तो भाई एक ऐसा टाइम था कि जब 3 साल पहले एक ऐसा दौर आया कि मेरी तबीयत अचानक खराब हुई, ठीक है, मेरी तबीयत अचानक खराब हुई, मैं शायद 1-1.5 महीने मेरे को रेस्ट करना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ। तो वो चक्कर में हम लोग कंटेंट बना नहीं पाए और ये वो टाइम था जो हमारा ये चैनल पिक टाइम था, ठीक है। मतलब हमने एक बहुत बड़ा शो भी ऑर्गेनाइज किया था अहमदाबाद के सबसे बड़े हॉल में, ठीक है, और उसके बाद गुजरात के जाने माने कलाकार मला ठाकर ने उनकी सबकी मूवीज आती थी, उनके साथ प्रमोशंस ने वो भी चल रहा था, मतलब मूवी के प्रमोशंस भी हमारे पास आ रहे थे। तो सडनली क्या हुआ, तो भाई धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई जैसे मैं बीमार पड़ा तो धीरे धीरे हमारी टीम जो है टीम धीरे धीरे अलग होती गई, ठीक है। तो इसमें हुआ ये कि धीरे धीरे मेरी टीम अलग होती गई, ठीक है। फिर पहले क्या था, रेगुलर बेसिस पे हम लोग वीडियोस डालते थे, मतलब हमारा टारगेट था कि भाई हर हफ्ते कोई एक वीडियो देना है तो देना है, तो हमारी पूरी टीम साथ में मिलकर काम करती थी, बराबर। लेकिन मैं जैसे ही मैं बीमार हुआ तो चैनल का काम रुक गया और उसके बाद जो है धीरे धीरे फंडिंग्स भी हमारी कम होने लगी, मतलब कि इसमें से पैसे मिलते थे लेकिन हम उतने ही पैसे वापस जो है शो में लगा देते। तो हमने जो शो किया था वो शो में भी हमको बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा था, मतलब वो शो सक्सेसफुल नहीं गया था। हमने एक बहुत बड़ा शो किया था, मतलब शायद उसका वीडियो भी मेरी ये दूसरी चैनल पर अवेलेबल है। तो हमने बहुत बड़ा शो किया था तो उसमें भी हम फेल हो चुके थे। उसके बाद क्या हुआ, एंडोर्समेंट भी आने बंद हो गए थे, ठीक है, और मैं बीमार हुआ और उसमें थोड़े बहुत देखो फैक्ट बताऊँ मैं तो थोड़े बहुत क्लैशेस भी हुए थे। जैसे मेरे टीम में एक बंदा जो काम करता था उसने भी चैनल छोड़ दी थी, उसने अपनी नई चैनल चालू कर ली थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मतलब जैसे मैं बीमार पड़ा तब काम बंद रहा, तो मेरे टीम में जो मेंबर्स थे उनको भी मतलब काम देखो वो लोग मेरे साथ काम करते थे, ठीक है, तो उन लोगों को चाहिए था कि हम लोग साथ में काम करें, मतलब उनका भी काम चलता रहे, तो वो नहीं हो पाया, मतलब मेरे से उस टाइम फिर काम नहीं कर पाए। तो लॉन्ग टाइम के लिए जब बंद हुआ मैं 1.5 महीना जैसा बीमार रहा, उसके बाद और 3-4 महीना काम नहीं चला। तो देखो कोई भी बंदा अपने भरोसे बैठने वाला है नहीं, ठीक है, तो जितने भी मेरे टीम मेंबर थे वो धीरे 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 करके कम होते गए। फिर मेरे टीम मेंबर थे लेकिन पहले मान लो कि मेरे 20 मेंबर्स थे तो बाद में सिर्फ हम 4-5 लोग ही रह गए। तो अब ये आपको भी पता है कि वाइंस है वो सब बनाना हो तो इस तरह से नहीं बना सकते, 2-4 लोगों का काम है नहीं, वो जो वाइंस है वो बनाते उसके लिए पूरी टीम चाहिए। मतलब शूट पे भी अगर हम लोग जाते हैं तो समझो 10-15 लोग तो मिनिमम चाहिए, ठीक है, 3-4 एक्टर है उसके बावजूद भी 8-10 लोग और चाहिए। वो तो जो जो लोग कॉमेडी वाइंस ने वो सब बनाते होंगे उन सबको पता ही होगा। तो यही मेन रीज़न था कि टीम टूट गई, ठीक है, और उस टाइम फिर पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने लगे, मतलब पैसे कहाँ से डालने वो भी एक फैक्टर था, और पैसे डालने कहाँ से, कमाएंगे कहाँ से, क्योंकि 3 साल पहले यूट्यूब की इतनी अर्निंग नहीं थी। अगर उस टाइम इतनी अर्निंग अगर यूट्यूब की होती तो शायद एक अलग मोटिवेशन मिलता हमको कि भाई नहीं काम करते रहना चाहिए, तो शायद हम काम करते रहते। तो लेकिन उस टाइम क्या था, मान लो अभी जितने व्यूज के जितने पैसे मिलते हैं उससे मतलब 7 गुना कम पैसे उस टाइम मिलते थे। तो मेन प्रॉब्लम यही थी, मेरे कुछ फिर पर्सनल इश्यूज हुए, फैमिली प्रॉब्लम, तो उसमें मैंने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। और सच बताऊँ जब मैं बीमार पड़ा उसके बाद मेरी ये बोल सकते हैं कि दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, बराबर, जिसकी वजह से मैंने कुछ भी ये ध्यान नहीं दिया मेरी चैनल पे, ठीक है। ऊपर वाले ने मेरे को दिया था, ये इतने सारे सब्सक्राइबर थे हमारे, मतलब गुजरात के टॉप चैनल में हमारा नाम था, लेकिन हमने काम नहीं किया तो धीरे 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 चैनल भी डेड होती गई। आप देख सकते हो कि 4,09,000 सब्सक्राइबर मेरी वो चैनल पर है, फिर भी अगर मैं आज उस पर कोई वीडियो डालता हूँ तो उस पर 4,000 व्यूज़ भी आना मुश्किल हो जाता है,
जबकि उस टाइम हम लोग कोई भी वीडियो डालते थे तो बहुत ही ज्यादा व्यूज आते थे। तो मैं मानता हूँ वो जो भी चैनल मेरी बंद हुई है बराबर, मतलब हमने काम बंद किया, तो उसमें किसी की गलती मैं नहीं बोलता कि भाई कोई थर्ड पर्सन की गलती थी जिसकी वजह से मेरी चैनल बंद हुई। इसमें वो चैनल बंद होने में पूरा पूरा दोष मेरा है, ठीक है। अगर आज हम लोग वो चैनल चालू रखते तो शायद हम लोग उसमें 2-4 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर गए होते, ठीक है, क्योंकि वो रीच से हम लोग जा, मतलब वो स्पीड से हम लोग जा रहे थे, इतने व्यूज आ रहे थे, पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे थे। लेकिन मैं बीमार पड़ा, फिर थोड़े क्लैशेस हुए टीम के बीच में, और फिर मेरी थोड़ी दिमागी हालत ठीक नहीं थी तो मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वो चैनल धीरे धीरे जो है बंद हो गई। तो जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको यूट्यूब में कोई काम चालू करते हो, ठीक है, तो मेहरबानी करके कुछ भी हो जाए उसको वापस बंद मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये मेरा प्रोफेशन था, ठीक है, उसके बाद हमने मूवीज का भी सोचा और मूवीज पे काम भी किया, वो मूवीज बहुत जल्दी रिलीज भी होगी, ठीक है। लेकिन वो बात अलग है, मूवी हमने शूट की बराबर है, वो अभी मतलब उसके फाइनल फेज में है, वो बात पूरी डिफरेंट है। अगर ये चैनल जो बंद हुई इसका मेरे को पूरा अफसोस बहुत हो रहा है, और इसका मतलब मैं जिम्मेदार हूँ, मैं पूरी पूरी जवाबदारी मेरे ऊपर लेता हूँ कि अभी जो भी गलती हुई है, मतलब वो 3 साल पहले एक चैनल, मतलब समझो हम लोग व्यूज वीडियो डालते थे तो मतलब एक दिन में 1-2 लाख व्यूज क्रॉस हो जाते, जबकि अभी आप सोच सकते हो कि मैंने ये चैनल पे काम करना स्टार्ट किया था तो अभी 1-2 हज़ार व्यू आने में भी टाइम लगता है। लेकिन वो ऐसा टाइम था, उस टाइम अगर मैं व्लॉगिंग भी चालू करता तो मेरे ज़्यादा व्यूज आते। लेकिन कोई बात नहीं, वो जो भी हुआ सारी गलती मेरी है, मेरे टीम मेंबर जितने भी थे उसमें किसी की कोई गलती नहीं, मेरे जितने भी टीम मेंबर हैं, मेरे जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं, उन मेरे सारे फ्रेंडों ने सारी की सारी कोशिश कर ली थी मेरे को समझाने की कि भाई अपने काम करते हैं काम करते हैं काम करते हैं, लेकिन मैं, मेरा ही मन नहीं था, मेरे को ही नहीं करना था, तो धीरे 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 चैनल डेड हो गई। और यूट्यूब पे तो यही है कि भाई अगर आप नहीं दिखोगे ऑडियंस को तो धीरे धीरे ऑडियंस आपको भूल जाएगी, ठीक है, क्योंकि हर रोज यूट्यूब में नए क्रिएटर आ रहे हैं हर रोज बराबर, तो कितने सारे कंटेंट अपलोड हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं डालेंगे तो कोई वीडियो नहीं देखेगा, तो वही हुआ हमारे साथ, तो हम बहुत अफसोस हो रहा है हमको। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्दी ये तो अपने रेगुलर जो व्लॉग्स आते हैं वो तो आते ही रहेंगे, और साथ साथ में कुछ टाइम बाद ये चैनल है वो पर वो भी वापस एक्टिव हो जाएगी, या तो फिर नई चैनल कोई भी बना लेंगे। लेकिन हमारा काम है आपको एंटरटेन करना, तो एंटरटेन करते रहेंगे, कॉमेडी वाइज बनती रहेगी। अभी वो विजय जाला में जो जोश था वो अभी वापस है, आप लोग चिंता मत करो, वापस कंटेंट आएगा उस पर और वापस एक बार धमाकेदार एंट्री होगी। यानी जितने भी मेरे चाहने वाले सबको दिल से शुक्रिया कि भाई अभी तक, ये मतलब 3 साल बाद मैंने व्लॉगिंग चैनल चालू की, वापस मैं व्लॉग डाल रहा हूँ, तो इतना सपोर्ट मेरे को मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, आप लोग लाइक कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, कॉमेंट भी कर रहे हो, अच्छी अच्छी कॉमेंट कर रहे हो, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, आप प्यार दे रहे हो, तो बस ऐसा ही ऐसा प्यार देते रहना। मैं आप सबका खूब पूरे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और मैं भी आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये जो व्लॉग सुबह 9 बजे आता है वो तो आपको मिल ही जाएगा, साथ साथ में कुछ टाइम लगेगा देखो, क्योंकि ये सब चीजें हैं, इसमें पैसा भी लगता है, तो थोड़े टाइम बाद आपको इसमें भी कंटेंट, मतलब कॉमेडी कॉमेडी के रूप में भी हम लोग बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन वो भी चालू होगा तो अपने व्लॉग्स तो चालू ही रहेंगे, बस देखते रहना। तब तक अभी ये विजय जाला चैनल के व्लॉग्स को लाइक ठोको, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ये चालू रखना चाहिए, और सुबह 9 बजे व्लॉग देख ही लो। टाटा बाय बाय, आई लव यू सो मच।